तीसरी एनिवर्सरी है और हम पहली 2020 से लेकर 2023 का जो हमारा सफर है वो किस तरह का रहा है। मेरी कुछ देर पहले बातचीत हुई है AICTE के चेयरमैन के साथ और उन्होंने बताया कि जो 3 साल रहे वो बहुत तेजी से हमने आगे बढ़े हैं अपने विजन को लेकर, जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को शीर्ष पर लेकर जाना है। तो जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इसमें एक अहम रोल निभाने वाली है। ना सिर्फ हम पढ़ाई के बाद नौकरी ढूंढने वाले बने बल्कि हम जॉब गिवर्स भी बने और उसमें स्टार्टअप्स का अहम रोल होने वाला है। लेकिन स्टार्टअप तक पहुंचने के लिए, उस एज ग्रुप तक पहुंचने के लिए हमारी शुरुआत होगी प्ले ग्रुप से। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरह से छोटा बच्चा जो है वो प्रधानमंत्री को दिखा रहा है और ये एक यंगस्टर है जो अपने इनोवेशन के बारे में प्रधानमंत्री को बता रहा है। और ये जो हमारे देश की इंस्पिरेशन हम मानते हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद, वो उन्होंने किस तरह से यंग जनरेशन को इंस्पायर किया और उनका भी एग्जीबिशन के अंदर उनकी तस्वीर लगी है। और ये बच्चे जो है वो अपने इनोवेशन के बारे में बता रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट उन्होंने बताए हैं, हाइड्रल पावर हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो चाहे मॉडर्न